डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फिरोजाबाद जिले के निरीक्षण के बाद आगरा पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम ने जिला अधिकारी और एसएसपी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और भाजपा के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पहले अधिकारियों से फीडबैक लिया, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों से मिले। डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डेंगू और अन्य वायरल से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर साल में 2 बार संचारी रोग प्रतिरोध अभियान चला रहा है। हर गाँव पर स्वास्थ्य विभाग की नज़र है। जनता आज उत्तर प्रदेश में कानून के राज को अच्छा मानती है और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। सभी विभाग बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। आप तुलनात्मक अध्ययन स्वयं करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता में खुशी की लहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएँ हैं वो जन जन तक पहुँची हैं और लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को चंबल में आई बाढ़ से अस्त व्यस्त हुई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आदेश दिया। उन्होंने प्रभावी गांवों में पुनर्वास कार्य तेजी से करने के आदेश जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। सर्किट हाउस सभागार में उन्होंने शहर और जिला कार्यकारिणी और पदाधिकारियों से अलग अलग मीटिंग की, जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वे आपस में समंजस बनाकर कार्य करें। किसी भी कार्य को लेकर आपस में टकराव की स्थिति में जिला या शहर अध्यक्ष मामले का निपटारा करें। उन्होंने सीएम और पीएम की जन कल्याणकारी योजना को आम जन तक पहुँचाने के आदेश दिए। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।